नमस्कार, इनसाइड लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। कांग्रेस कार्य समिति ने 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के चुनाव को मंजूरी दी है। चुनावों के परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाने। ऐसे में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच अटकलें बढ़ा दी। केरल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने ट्वीट में लिखा, जब नाव बीच मछुआर में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेने की पड़ती, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 21 में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। 4 मजदूरों की मौत हो गई है, कई घायल हैं। बताया जा रहा है कि जलवायु विभाग ने बाउंड्री वॉल की नाली की मरम्मत के दौरान लगभग 200 मीटर दीवार गिर गई। वहां कुल 12 मजदूर काम कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे को लेकर शोक जताया। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 8वें दिन सुनवाई चल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कुछ ऐतिहासिक इस्लामिक देश हैं जहां हिजाब के कारण विरोध हो रहा है, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। कोर्ट ने कहा कि किस देश में, सॉलिसिटर जनरल बोले ईरान में। इससे साबित होता है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक नहीं है। इससे पहले हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन छात्राओं ने हिजाब बैन के खिलाफ याचिका दायर की है वे कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रभाव में ऐसा कर रही है। ईरान में सिर न ढकने के आरोप में पुलिस ने 22 साल की महसा अमीनी को कस्टडी में ले लिया था। महसा कुर्द मूल की थी, हिरासत में ही वो कोमा में चली गई और 16 सितंबर को उनकी मौत हो गई। इसके बाद महिलाओं का गुस्सा भड़क गया। कुर्दिस्तान के शहरों के बाद राजधानी तेहरान में भी प्रदर्शन हुए। महिलाओं की मांग है कि हिजाब को अनिवार्य की जगह वैकल्पिक किया जाए। उनका कहना है कि हिजाब की वजह से वे क्यों मारी जाए। ईरान में मॉरल पुलिसिंग का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग से 5 लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा घायल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय में कैबिनेट हॉल में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडे पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में समस्तीपुर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा सदर अस्पतालों में ड्रेसर के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। चपरा मेडिकल कॉलेज के लिए 423 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पीएमसीएच समेत अन्य अस्पतालों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा है कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता है। जनता दरबार के माध्यम से नीतीश कुमार अपना ब्रांडिंग करवा रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिन फरियादियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में मौका नहीं मिलेगा उन तमाम लोगों की बात सरकार तक पहुँचाने का काम बीजेपी करेगी। इसे लेकर अब हर मंगलवार को बीजेपी पार्टी कार्यालय जन संवाद लगाया जाएगा। हर सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार होता है और जनता दरबार में सेलेक्टेड लोग को बुलाते हैं, जिला स्तर पर चयन करते हैं। वो जनता दरबार नहीं है कि कोई भी दुखियारा, कोई भी विभागीय या शासन प्रशासन से सताए हुए लोग या अपराधियों से परेशान लोग डायरेक्ट उन तक पहुँचे, कई जगह से उनका सिलेक्शन हो करके तब लोग जाता है और उनको पूरे एक तरह से कन्विंस किया जाता है। वो जनता दरबार नहीं है। जनता दरबार के नाम पर अपना ब्रांडिंग और मीडिया के संवाद है। प्रतिपक्ष के नाते मुख्यमंत्री जी का सोमवार को जनता दरबार है, मंगलवार को जन संवाद हम इसी कार्यालय यहीं कक्ष से करेंगे और जिनकी वहां पर आवेदन या पुकार नहीं सुनी जाएगी वो तमाम विषय मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री के कानों तक, सरकार तक वो आवाज़ पहुंचाई जाएगी।
रोजगार को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां नीतीश और तेजस्वी की सरकार कई पदों पर बहाली निकाल रही है, तो वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि एनडीए के समय में जो नौकरी देने का वादा किया गया था उसे नीतीश कुमार ने जान बूझ कर रोक कर रखा, ताकि तेजस्वी यादव पहले जमीन दान में ले लें और फिर कैंडिडेट्स को नौकरी दी जाए। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए जेडीयू सड़क पर उतरेगी। आने वाले 27 सितंबर को जेडीयू राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में सतर्कता और जागरूकता मार्च का आयोजन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश में सांप्रदायिकता जहर घोल रही है, इसके लिए जेडीयू सड़क पर उतरेगी। ललन सिंह ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार जो देश की ज्वलंत समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने के लिए, सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए हर प्रखंड में हम महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे, और इसलिए सांप्रदायिक एकता के पक्ष में पूरे देश की जनता को जागृत करेंगे, और इसलिए कार्यक्रम तय हुआ है 27 तारीख को। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश और बिहार के पूर्वांचल में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के तुष्टीकरण की नीति के कारण पूर्वांचल में हिंदुओं की संख्या घट रही है, जबकि मुसलमानों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ मठाधीश राजनेता घुसपैठियों के लठैत बन गए हैं और उन्हें धार्मिक और राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की नीति के कारण आज पूर्वांचल का इलाका गौ तस्करी का अड्डा बन गया के अंदर और पूर्वांचल के अंदर ये आबादी अब 80 से ले 70 से ले तो 20 गुना आबादी बढ़ गई। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, किसकी आबादी बढ़ी है, क्यों नहीं हिंदुओं की आबादी घटते क्यों गई, मुसलमानों की आबादी बढ़ते क्यों गई। इसलिए कि एक तो घुसपैठियों का जब वो आते हैं तो उन्हें धार्मिक संरक्षण दिया जाता है, राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, बड़े बड़े मठाधीश राजनीतिक उसके लिए मीडिया में आकर के उसके लठैत बन जाते हैं। सीमांचल नहीं, पूर्वांचल का डेमोग्राफी चेंज हो गया, और डेमोग्राफी ही नहीं चेंज हुआ बल्कि गौ तस्करी का एक अड्डा बन गया, और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रहा तो तुष्टिकरण की नीति, सरकार का वोट बैंक की राजनीति, गौ तस्करी में भी वोट बैंक और घुसपैठिए में भी वोट बैंक। कश्मीर में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का 3 दशक का इंतजार आज खत्म होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर के सोनमर्ग में खुलने वाली घाटी के पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का उद्घाटन करेंगे। मल्टीप्लेक्स में फिल्म लाल सिंह चड्ढा देखेंगे लोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज मोहाली में खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट T20 वर्ल्ड कप से पहले कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, साथ ही उस प्लेइंग 11 के साथ उतरने की कोशिश करेंगे जिन्हें वह T20 वर्ल्ड कप में खिलाना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इंसाइट लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।